स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट्स, कितने बार मैग्नेट्स है बाबा? दो, और सेम हैव ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्क्वेयर इच। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कैपिटल एम दिया है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 1। दे आर केप्ट इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट, इन सच ए वे दैट मतलब इस प्रकार से कि देयर एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, कि उनके एक्सेस क्या है? परपेंडिकुलर। पहले मैं आपको फिगर बता देता हूं फिर। तो क्वेश्चन 4 में का तीसरा फिगर, तो एक मैग्नेट ऐसा है और दूसरा मैग्नेट ऐसा है, दोनों मैग्नेट सेम है, बस देखो इसका एक्सिस, इसका एक्सिस ये और इसका एक्सिस, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्या है बोलो? एक दूसरे को क्या है? हाँ, एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिए हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिए हैं। तो हमें बोला गया है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एक्सिस ऑफ वन मैग्नेट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर मैग्नेट। बिल्कुल ना, ये देखो ये इसका ये जो एक्सिस है ये दूसरे मैग्नेट के कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। ये पॉइंट जैसे ओ पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो ओ पॉइंट, ये तो आपको मालूम है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। क्लियर? क्या बोलो? इसी प्रकार से ये ओ पॉइंट, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। हाँ ओके। अब हमें क्या बोला है प्रॉब्लम में कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 2 मीटर। देखो ये सेंटर और ये सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है, कितना दिया है बोलो? 2 मीटर डिस्टेंस दिया है। कितना दिया है बोलो जल्दी? तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दो सेंटर्स के बीच का, ये दिया है 2 मीटर। कितना बोलो जल्दी? तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो दोनों के जो सेंटर है, देखो ये सेंटर और ये सेंटर, इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी क्लियर क्या बोलो? हाँ, तो इन दोनों जो ये है इसका मिड पॉइंट, मान लो ये यहां पे आता है मिड पॉइंट, इसको नाम देंगे हम पी। क्या नाम देंगे? अरे ये वो और ये वो, इसका इसका सेंटर ये वो और इसका सेंटर वो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा मालूम है ना? ये सेंटर से ये पी का डिस्टेंस 1 मीटर और इस सेंटर से इस पी का डिस्टेंस 1 मीटर। बोलो बोलो हाय है ना? तो इस पी पॉइंट पे हमें नेट यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितने एक्ट होगी ये फाइंड करना है। अब आप मुझे सोच के बताओ कि इस मैग्नेट के लिए ये कौन है रे? एक्सिस, बरोबर। और इस मैग्नेट के लिए यही कौन है? वेरी गुड। देखो अभी आप ही ने जवाब दिया कि सर इस मैग्नेट के लिए ये लाइन क्या है? एक्सिस है कि नहीं? और यही लाइन इसके लिए क्या है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए जो एक्सिस है, तो देखो इसके लिए ये तैयार होगा बी ए। क्या तैयार होगा? इस मैग्नेट के लिए ये पी पॉइंट एक्सिस पे है ना, तो क्या तैयार होगा? बी ए। और इस मैग्नेट के लिए ये पॉइंट कहाँ पे? इक्वेटर पे है, तो क्या तैयार होगा? बी ई। क्लियर? तो सुनो, हमें पहले बी ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी फाइंड करना पड़ेगा और फिर हमें रिजल्टेंट बी मिलेगा। क्या मिलेगा? बी ए और बी का, और वही हमें पूछा है। तो हमें जो रिजल्टेंट पूछा गया है बी, ये वाला, और ये बी मालूम है क्या रहता है? कौन से फार्मूले से आता है?
ये आता है, देखो b कौन सी क्वांटिटी है, बोला वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, तो ये जो आएगा b, ये आता है b स्क्वायर इक्वल टू ba स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ही अगर दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये b स्क्वायर का रूट और ये रे ba स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो b इक्वल टू क्या आएगा, रूट ba स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मान लो इक्वेशन वन, अभी इधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं। तो सर जो हमें b चाहिए वो तो मिल गया, लेकिन वो कौन से रूप में, अभी ba और b के रूप में, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि हमें पहले क्या फाइंड करना है, BA और B, और ये हम इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो अभी BA हमें पहले फाइंड करना है, तो बताओ फिर BA का फार्मूला, तो BA इक्वल टू आपको मालूम है क्या है रे, BA इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब, क्लियर क्या, अच्छा म्यू जीरो बाय फोर पाई यानी टेन टू दी पावर माइनस सेवन टू, वैसे ही एम हमें दिया है प्रॉब्लम में वन, कितना दिया है वन, अच्छा और आर देखो बरा, आर आर कौन सा है, देखो ये पी का इस ओ पॉइंट से डिस्टेंस दिखा क्या रे, ये इस मैग्नेट के लिए, ये पी पॉइंट इस मैग्नेट के एक्सिस पे है ना, इसीलिए बी ए फाइंड कर रहे हैं, और आर तो मालूम है आपको पी और ओ के बीच का डिस्टेंस दिखा क्या रे, ये आर, ये आर, क्लियर क्या, आर 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 कितना है ये वन मीटर, क्योंकि ये टू मीटर है ना रे, तो पी सेंटर पॉइंट है ना, तो P से O का डिस्टेंस कितना, वन वन, तो ये वन का क्यूब, तो आप बोलेंगे सर टू इंटू वन टू होता है, वन का क्यूब वन ही रहता है सर, तो टू अपॉन वन यानी टू ही आ जाएगा सर, और ये टेन टू दी पावर माइनस सेवन, ये कौन आ गया, बी ए आ गया कि नहीं, हाँ इतना, इसका यूनिट तो मालूम है आपको, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, टी यानी ये टेस्ला, इसको आप टी भी बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट या फिर टेस्ला, तो ये कौन हो गया सर, ये बी ए हो गया। अब बी बताओ बरा, बी मतलब इस मैग्नेट के लिए पी पॉइंट कहाँ पे है रे सर, इक्वेटर पे है, कहाँ पे है, हाँ तो फिर बताओ मुझे ये बी ई बताओ, तो बी इक्वल टू यही म्यू जीरो बाय फोर पाई इंटू टू एम नहीं, सिर्फ एम अपॉन आर क्यूब, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई यानी टेन टू दी पावर माइनस सेवन, एम तो बताया वन दिया है, और अभी आर यानी ये वाला आर रे बाबू रे, अभी P पॉइंट से इस O पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये भी कितना है रे, R ही है ना, R O भी कितना रहेगा वन, क्योंकि O से O ये डिस्टेंस टू मीटर है, P ये मिड पॉइंट है, तो ये एक मीटर और ये एक मीटर, एक प्लस एक दो, हाँ तो ये R जो है अभी ये वन का क्यूब, अरे वन का क्यूब तो वन ही होता है, तो वन अपॉन वन यानी वन, और ये टेन टू दी पावर माइनस सेवन, ये आ गई बी की वैल्यू, यूनिट वही वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। अब ये बी ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू दिखी क्या, ये इस वन में रखो, कहाँ रखो, तो वो जो रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा, वो हमारा आंसर रहेगा। तो देखो फिर, तो देयर फोर फ्रॉम वन मतलब इक्वेशन वन से, तो बी वैसा ही इक्वल टू वैसा ही रूट वैसा ही बी ए की वैल्यू बोलो रे, टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन का स्क्वेयर,
प्लस प्लस बी बताओ ये है 1 × 10⁻⁷ का स्क्वायर। तो बस अभी आंसर आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है रे 4। ये 10⁻⁴ है ना, 7 × 14 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये 10⁻⁷ का स्क्वायर यानी −14। हाँ अब सोच के बताओ बरा, ये देखो 10⁻⁴, 10⁻⁴ कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा क्या 4 + 1, क्या बचा रे 4 + 1, और कॉमन क्या आ गया, क्लियर क्या? हाँ तो ये आ गया देखो रूट 4 + 1 यानी 5, और ये 10⁻⁴, बी की वैल्यू बोल रहा हूँ, क्लियर क्या? तो आ गया ना आंसर बी इक्वल टू ये रूट 5 वैसे ही रहने दो, और ये 10⁻⁴ का रूट क्या आएगा रे आधा, 7 का आधा 4, तो इतना वेबर पर और टेस्ला, ये आ गया रे आंसर, क्लियर।